Closure of the neural tubes. Closure of the neural tubes during the neurulation is the process in which neural tube eventually forms a closed cylinder that separates from the surface of ectoderm, जो कि ectoderm से separate होता है. Which of the following terms linked to the failure in the closure of entire neural tube? That is brain and spinal cord over the body axis. कौन सा यहाँ पे आपका प्रोसेस होता है, दैट इज व्हाट क्या है कि एनसिफेली है, स्पिना बिफिडा है, या क्लेफ्ट पैलेट है, या है क्रेनियोरैक्सिस. क्या आंसर होता है इसका, देखिएगा. क्लोजर की बात करते हैं तो ये टर्म होता है जो कि यूज होता है न्यूरल ट्यूब में, जहां पे कि सेपरेशन होता है एक्टोडर्म का, या वो उसमें क्लोज सिलेंडर जो कि एक्टोडर्म से सेपरेट होता है, जो कि आंसर है दैट इज व्हाट द क्रेनियोरैक्सिस. इज इट क्लियर? ये कुछ एक एक टर्म देखना. एक चीज और आपको बता दूं, ठीक है. कई बार क्या होता है ना कि हमारे मन में ये चीज होता है कि मैं बिल्कुल उस चीज से एग्री करता हूं कि आप लोग को प्रिपरेशन हमेशा वर्स्ट के लिए करनी चाहिए. हमेशा बोलता हूं बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बेस्ट अपने आप निकल के आ जाएगा. लेकिन वन थिंग हमेशा रिमेम्बर करना कि कभी भी, खासकर ऐसे एग्जाम जो होते हैं गेट, सीएसआईआर, इन सब में टॉपर्स कभी भी 100 नंबर नहीं लेके आता. कभी देखे हो आईआईटी जेई की तरह टॉपर जो है 100 नंबर लेके आ गया? कभी भी आपको गेट में 100 नंबर लाने वाला बंदा नहीं मिलेगा. कभी भी सीएसआईआर में 200 वाला नहीं मिलेगा. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ना करने के लिए ही बने होते हैं. ये चीज एक्सेप्ट करके एग्जाम में बैठना. कई बार क्या होता है ना कि हम इसी वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं. तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आपको मूव करना है, कैसे एग्जाम को अटैकल करना है, वो मैं डिस्कस करूंगा लास्ट सेशन में आज के. लेकिन इन सब चीजों से डील कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक है. तो ये नहीं है कि हाँ बैठ गए कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो भैया पूरा पेपर खराब हो गया, ये माइंड में मत करना. क्योंकि कुछ क्वेश्चन नहीं होते बन करने के लिए. अगर वो सभी कर लेगा कोई इंसान तो 100 मार्क्स लेके आ जाएगा. वैल्यू जो पेपर की होगी वो घट जाएगी, कैसा पेपर सेट हुआ था. तो इसीलिए पेपर सेट ही ऐसा किया जाता है. उठपटांग दो चार क्वेश्चन होंगे उसमें. चलो, which of the following factors does not contribute to the allopatric speciation? Allopatric speciation. आप देखना, allopatric speciation के बारे में बात करते हैं. allo मतलब other, patric मतलब जगह. जब population जो है अलग हो जाए, जब अलग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सेपरेट पॉपुलेशन हो जाएगा. एंड देयर विल बी द जीन फ्लो बिटवीन द टू सेपरेटेड पॉपुलेशन. यस, द जेनेटिक डिफ अकर्स बिटवीन द टू सेपरेटेड पॉपुलेशन एंड द जीन फ्लो बिटवीन द टू सेपरेटेड पॉपुलेशन. ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है. जीन फ्लो होता है टू सेपरेटेड पॉपुलेशन में, जीन फ्लो होगा. आप खुद देखो यहाँ पे नॉट कंट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं तो जेनेटिक ड्रिफ्ट तो होगा लेकिन जीन फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक सेपरेटेड पॉपुलेशन में हो जाएगा. जेनेटिक ड्रिफ्ट विल बी देयर, देयर विल बी अ जेनेटिक ड्रिफ्ट. मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब वहां पे चेंजेस होंगे एक पॉपुलेशन में, लेकिन जीन का फ्लो नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह. सो देयर विल बी नो जीन फ्लो. यहाँ पे जीन फ्लो नहीं होगा क्योंकि जीन फ्लो सेपरेटेड पॉपुलेशन में नहीं होता है, अलग अलग पॉपुलेशन में नहीं होता है. इज इट क्लियर? ये आंसर इनकरेक्ट है और इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा है. चलो आगे मूव करते. नेक्स्ट क्या है जी, देखने की कोशिश करना. मैच ऑफ द हॉर्मोन्स या हॉर्मोन्स का फंक्शन पूछा है. मेलाटोनिन, ऑक्सीटोनिन, ऑक्सीटोसिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, प्रोलैक्टिन है, सोमेटोस्टेटिन है. मेलाटोनिन के बारे में बात करते हैं. मेलाटोनिन क्या करता है जी, मेलाटोनिन के बारे में बात करते हैं. सर्कैडियन रिदम्स में इन्वॉल्व होता है ये. मेलाटोनिन सर्कैडियन रिदम्स में इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है? मेलाटोनिन जो होता है वो सर्कैडियन रिदम्स में इन्वॉल्व होता है, सर्कैडियन रिदम्स में. ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था. यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है. यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है. यस, बताया था या नहीं बताया था? बी का क्या होना चाहिए, बी का थर्ड होना चाहिए. ए का फिफ्थ एंड बी का थर्ड, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इसमें मिल रहा है. तो जितना हॉर्मोन का फंक्शन बताया था याद कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे. समझ में आ रही बात? ऐसे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे अगर पढ़ोगे. जितना बताया थोड़ा थोड़ा फंक्शंस याद कर लेना, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कहाँ पे क्या फोकस करना है क्या नहीं करना है. इसके बाद इन दो क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल सभी मैं बताता हूँ. जैसा कि मैंने कहा, नेट टाइप के क्वेश्चंस को मैं एक साथ लूंगा अभी जब मैं सॉल्व कराता हूं. तो चलो ये भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करता हूँ आपसे. आप देखने की कोशिश करते हैं ये सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे. सी देखिएगा, नेट टाइप के क्वेश्चंस को एक बार लेके आया हूं मैं यहाँ पे. देखिएगा कि कंसीडर द गिवन पेप्टाइड, जो क्वेश्चन था ठीक है, अभी ये क्वेश्चन था इसी से पेपर में.
जहां पे कि ये पेप्टाइड दिया हुआ है, पूछ रहा है पीएच वन पे चार्ज कैलकुलेट करने का। चार्ज कैलकुलेट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, चार्ज कैलकुलेट का एक करने फॉर्मूला होता है, जहां पे जब पीएच फॉर्मूला आप लोग सबको पता है या किसी को नहीं पता है? किसी को फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, वो शेयर कर देंगे फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है चार्ज कैलकुलेट करने का पीएच लेस देन 5 पीएच पे क्या होता है, नंबर ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, नंबर ऑफ बेसिक अमीनो एसिड प्लस 1 होता है, और ये किसमें चार्ज होता है, ये पॉजिटिव में चार्ज होता है। तो बेसिक अमीनो एसिड कैलकुलेट करो, यहाँ पे कोई भी एक बेसिक अमीनो एसिड मिल रहा है, एनी बेसिक अमीनो एसिड देयर, कोई भी एक बेसिक अमीनो एसिड जो मिल रहा हो इस पर्टिकुलर पार्ट में नहीं मिलेगा। सो से जीरो बेसिक अमीनो एसिड प्लस 1, ये पॉजिटिव होगा, प्लस 1 आ जाएगा चार्ज, प्लस 1 इज द चार्ज, इज इट क्लियर? सो आंसर जो आ जाएगा 1 आएगा यहाँ पे। नाउ अब देखना दूसरा क्वेश्चन जो है कि नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रीजंस इन द फंक्शनल आर्म ऑफ द आईजीएम एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन आईजीएम एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। क्या देखते हैं जी, देखने की कोशिश करना कि आईजीएम एंटीबॉडी के बारे में जब बात करें तो आईजीएम पेंटावेलिक होता है, 10 आर्म इसके पास पाए जाते हैं, 10 आर्म यानी कि 20 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, 20 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है 20 होंगे, क्योंकि 10 आर्म पे एक वेरिएबल और एक आपका जो रीजन होता है, एक वेरिएबल और एक हैवी रीजन होता है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में 20 के बाद एक सीडीआर, एक वेरिएबल में 3 सीडीआर होते हैं, या एक हैवी में 3 सीडीआर होते हैं, एक चैन में 3 सीडीआर पाए जाते हैं, तो 20 × 360 सीडीआर पाए जाएंगे, ठीक है, टोटल हो जाए। नाउ एक क्वेश्चन ये भी आया था, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि 1500 बेस पेयर ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 1500 बेस पेयर ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो 70% ऑफ द प्यूरीन आर एडेनिन बेसिस एंड द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द डीएनए विल बी, ठीक है। अब प्यूरीन बोल रहा है, एडेनिन है 70% में, तो 50 का जो है 70% निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 1050, ये आपका कितना आ जाएगा, ये एडेनिन है, तो एडेनिन किससे बाइंड करता है, थाइमिन से। बाकी बचा 450 क्या होगा, बाकी बचा 450 क्या होगा, वो गुआनिन होगा, तो ये 450 किस साइटोसिन से बाइंड करेगा, तो ये 1050 इस तरीके पार्ट में है और ये 450 है, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 1050 × 2, ठीक है, ये दो बॉन्ड बनाता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थाइमिन, और गुआनिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1050 × 2 2100 450 × 3 1350, you will get the 3450 will be the answer. Is it clear? Now, next question. ये question पूछा गया था, the molecular weight of the double stranded DNA fragment in the mitochondrial is the this. DNA fragment का molecular weight दिया हुआ था, मॉलिकुलर वेट ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट दैट इज 7.92 × 10⁸ ग्राम पर मोल। उसके बाद बोला जा रहा है कि डीएनए एवरेज मॉलिकुलर वेट जो है 330 है, एवरेज जो है वो 330 ग्राम पर मोल है। इसको डिवाइड करने पे कितना वैल्यू आ रहा है जी, जरा सा बताइए कैलकुलेट करके, तो कैलकुलेटर यूज करिए और बताइए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। अगर आप देखोगे कि इतना डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट है, इतना मॉलिक्यूलर वेट इंडिविजुअल का है, तो कितने डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, कितने डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, आपका यही आ जाएगा नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल जो कैलकुलेट करेंगे कि टोटल मॉलिक्यूलर वेट से एक का डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, और ये वैल्यू कितना आ रहा है कौन बताएगा, हाँ जी एनीवन, बस इतना बता दो मेरे को, 792 डिवाइडेड बाई 330 कर दो, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितना आ रहा है 24, चलो ठीक है, अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा 2.4 × 10⁶, यही आएगा, दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ डीएनए, ये क्या है नंबर ऑफ डीएनए है, नंबर ऑफ डीएनए, ठीक है, दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ डीएनए, ये क्या है नंबर ऑफ डीएनए है, नंबर ऑफ डीएनए मतलब टोटल वेट से एक डीएनए का वेट निकाल दिया तो नंबर ऑफ डीएनए पता चल गया। प्रोटीन, प्रोटीन का जो
के लिए कितना अमीनो एसिड चाहिए, एक प्रोटीन के लिए कितना अमीनो एसिड चाहिए, ये आपको पता होता है कि एक प्रोटीन के लिए 3 बेस पेयर चाहिए होते हैं। एक प्रोटीन के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए, नॉट प्रोटीन, एक अमीनो एसिड के लिए, ठीक है, दैट ए फॉर वन अमीनो एसिड, फॉर वन अमीनो एसिड 3 बेस पेयर चाहिए होते हैं, फॉर अ कोडॉन चाहिए होते। तो अगर 200 अमीनो एसिड के लिए कितना चाहिए, 200 into 3, दैट इज व्हाट द 600 अमीनो एसिड, 600 बेस पेयर चाहिए, 600 बेस पेयर चाहिए। आपके पास इतना बेस पेयर पड़ा हुआ है तो इससे 600 से डिवाइड कर दोगे तो ये बता दोगे कितना प्रोटीन बनेगा। अगर प्रोटीन के बारे में बात करता हूं तो प्रोटीन के बारे में हो जाएगा कि 2.4 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 600। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 10⁴ आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये 0.4 × 10⁴, तो वो हो जाएगा 4000। क्लियर है जी, 4000 विल बी द आंसर। इज इट क्लियर गाइस? माय नेम इज वीरेंद्र सिंह। सो अन अकेडमी पे मैं प्लस और आइकॉनिक के लिए पढ़ाता हूँ, तो क्रैक करिए CSIR को विद मी वीरेंद्र सिंह ऑन अन अकेडमी, जहाँ पे कई सारे कोर्सेज जो है वो चलते रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, सो प्लस कोर्सेज इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, लाइव क्लासेस, कोर्स एंड PDF एंड क्विजेस मिलते हैं। आइकॉनिक में इन सबके अलावा आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यूज़ करें रेफरल कोड विरेन लाइफ टू गेट द 10% डिस्काउंट। वेरिस बैच कोर्सेज इज रनिंग, बैच 2, 5 एंड 7, इन बैच कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं, या तो इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे यूनिट 13, 8 एंड डिफरेंट यूनिट्स जो है मैं डील करता हूँ। प्लस के जो फीचर्स है, जहाँ पे फुल लेंथ कोर्सेज, MCQs एंड PYQs, न्यू बैचेज एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, वीकली क्विजेज इन एवरी कोर्सेज, फुल मॉक टेस्ट एंड ऑल सब्जेक्ट्स बायलैंग्वेज आपको मिलते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक में आपको मिलता है कई सारी चीज़ें। इन सब के अलावा हम और सारी चीज़ें इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सिनेप्सिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो जुड़िए अन अकेडमी के साथ, 6 मंथ की कॉस्ट इतनी है। अगर आप रेफरल कोड वीरेन और वीरेन लाइव यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फ्री होती हैं। पोस्ट द लर्नर का ऑप्शन यूज़ करिए, रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज़ करिए, डायरेक्ट अपने एजुकेटर से बात करिए, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एंड एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, ये चीज़ें ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस कई सारी जो है आपके मेरे प्रोफाइल पे जाके अवेलेबल हैं, देख लीजिए, और अपकमिंग भी वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफर्स चल रहे हैं 12+2 27 अक्टूबर तक, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ऑफर है, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको मेगा ऑफर जो चल रहा है। आस्क अ डाउट फीचर भी आ चुका है, इसका फीचर भी यूज़ कर सकते हैं आप अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो हरी अप गाइस, सब्सक्राइब नाउ एंड यूज द रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।